तुम भारत की संतान नहीं, पप्पू तुम भारत की संतान नहीं, क्योंकि तुमको भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं। पप्पू तुम भारत की संतान नहीं, क्योंकि तुमको भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं। तुमने ही तो राम सेतु पर सवाल उठाए थे। अरे तुमने ही तो राम सेतु पे सवाल उठाए थे। अरे तुम वो ही तो हो जो राम मंदिर पे लड़ने आए थे। अरे तुम वो ही तो हो जो राम मंदिर पे लड़ने आए थे। अरे सारी जनता जान चुकी है, अरे सारी जनता जान गई है, तुम अपने नहीं पराए थे, क्योंकि राम मंदिर ना बनने के लिए तुम अपने वकील लाए थे, क्योंकि राम मंदिर ना बने इसके लिए तुम अपने वकील लाए। सभी से नमस्कार। और कैसे आप सभी लोग? आज थोड़ी से शब्द हैं मेरे पास, जिनके माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। कृपया सुन लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सुनो हिंद के वीर जवानों, सुनो हिंद के वीर जवानों, इन कांग्रेसियों की चाल को जानो, इनको चाहिए सिर्फ सत्ता, चाहे देश का हाल हो खस्ता। इनको चाहिए सिर्फ सत्ता, चाहे देश का हाल हो खस्ता। एक कांग्रेसी मुझसे कहता है, एक कांग्रेसी मुझसे कहता है कि स्कूल हमारी देन है। एक कांग्रेसी मुझसे कहता है कि स्कूल हमारी देन है। अब मैंने भी जब उससे पलटवार करके बोला, जब स्कूल तुम्हारी देन है तो गुरुकुल किसकी देन है? जब स्कूल तुम्हारी देन है फिर गुरुकुल किसकी देन है? अरे हम तो तुमको देशभक्त तब मान जाते हैं जब एक स्कूल एक गुरुकुल किसी गांव में ही खोल जाते। हम तो तुमको देशभक्त तब मान जाते जब तुम एक गुरुकुल किसी गांव में ही खोल, क्योंकि गुरुकुलों में ही तो शिक्षा प्लस विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि गुरुकुलों में ही तो शिक्षा प्लस विद्या प्रदान की जाती है। और बात करें स्कूलों की तो विद्या का कोई पता नहीं, और बात करें स्कूलों की तो विद्या का कोई पता नहीं। आज के समय में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है, विद्या नहीं दी जाती। विद्या शिक्षा में फर्क होता है। विद्या आध्यात्मिक ज्ञान होता है, और जो शिक्षा होती है वो, जैसे कि मैं कारीगर भी, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, ये वो, तो ये सब सारा शिक्षा में आ जाता है। विद्या हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो हमारी विद्या कहलाती है। तो गुरुकुलों में शिक्षा प्लस विद्या दोनों ही प्रदान की जाती थी। स्कूलों में तो केवल डिग्रियां बांटी जाती हैं, स्कूलों में तो केवल डिग्रियां बांटी जाती हैं। और बात करें शिक्षा की तो कारीगर भी बन जाते हैं, और बात करें शिक्षा की तो कारीगर भी बन जाते हैं, और बात करें विद्या की तो महापुरुष बन जाते हैं, और बात करें विद्या की तो महापुरुष बन जाते हैं। सुनो गौर से कांग्रेसी वालों, सुनो गौर से कांग्रेसी वालों, आखिर तुम गुरुकुल क्यों नहीं पहचानो? सुनो गौर से कांग्रेसी वालों, आखिर तुम गुरुकुल क्यों नहीं पहचानो? तुमने तो केवल भारत को लूटा है, क्योंकि प्रमाण यही दर्शाते हैं। तुमने तो केवल भारत को लूटा है क्योंकि प्रमाण यही बतलाते हैं। और पप्पू तुम भारत की संतान नहीं, पप्पू तुम भारत की संतान नहीं, क्योंकि तुमको भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं। पप्पू तुम भारत की संतान नहीं,
क्योंकि तुमको भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं, क्योंकि तुमने ही तो राम सेतु पर सवाल उठाए थे। अरे तुमने ही तो राम सेतु पे सवाल उठाए थे। अरे तुम वो ही तो हो जो राम मंदिर पे लड़ने आए थे। अरे सारी जनता जान चुकी है, अरे सारी जनता जान गई है तुम अपने नहीं पर आए थे, क्योंकि राम मंदिर ना बनने के लिए तुम अपने वकील लाए थे, क्योंकि राम मंदिर ना बने इसके लिए तुम अपने वकील लाए थे। साथियों धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।